गोरी क्लास आ जा बेटा, यहाँ पे हर्ष क्लास में ए फोर की सिलेबस में यहाँ पे वर्णमाला शुरू है। तो वर्णमाला के इससे पहले हमने आपको स्वर छुटा से आह तक के स्वर मैंने बताए, और उसके बाद नेक्स्ट आपका आता है व्यंजन। तो व्यंजन आपने कहाँ से सीखा बेटा? व्यंजन आपने का से मा तक, इससे पहले मैंने आपको का से मा तक व्यंजन सिखाए। तो अब आता है इसके बाद नेक्स्ट आप आता है अच्छा आता है आपका य। तो य अच्छा सीखने से पहले सबसे पहले आप व्यंजन की प्रैक्टिस फिर से करें, फिर से आपको भी रिवीजन करना है, क्योंकि आपकी अब ऑनलाइन क्लास चल रही है, तो आप मेरे साथ साथ इसको रिवीजन करिए और अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। सबसे पहले आपको स्वर बोलने हैं, उसके बाद नेक्स्ट आपको व्यंजन। तो मेरे साथ साथ आप भी बोलिए। तो सबसे पहले आपका स्वर कौन सा आता है बेटा? आज आप फिर से रिवीजन करते हैं। सबसे पहला अक्षर आता है आपका छोटा अ, छोटा अ। आ से अनार, आ से आम, बड़ा से आम, छोटा से अनार। नेक्स्ट आपका अच्छा रहता है यहाँ पे बड़ा से आम। इसके बाद फिर लेटर आता है आपका, ये देखिए ये अच्छा आया आपका छोटी से इमली, ई से इमली, बड़ी से ईख, बड़ी से ईख। फिर अच्छा आया आपका छोटा उसे उल्लू, छोटा उसे उल्लू, ये अच्छा आपका आता है छोटा उसे उल्लू, उसे उल्लू, बड़े उसे ऊन, बड़े उसे ऊन, जिससे मम्मी स्वेटर बुनती हैं, बड़े उसे ऊन। फिर हमारा अच्छा आता है ऋषि ऋषि, ऋषि ऋषि, ऋषि ऋतु। इसके बाद हमारा अच्छा आता है नेक्स्ट ए से एड़ी, ए से एड़ी, ए से एक, ऐसे एम्बुलेंस, ऐसे ऐनक जो चश्मा लगाते हैं हम, ऐसे ऐनक और ऐसे एम्बुलेंस। फिर हमारा अच्छा लगता है बेटा, आप भी मेरे साथ साथ ऐसे रीड कीजिए, ओ से उखली, ओ से ओस। फिर हमारा अच्छा लगता है अ से औरत, अ से औषधि, औषधि मीन्स क्या होती है मैंने आपको बताई थी, औषधि मीन्स दवा, जो दवा खाते हैं औषधि, औषधि। फिर हमारा अक्षर आता है, ये हमारा स्वर आ गया अंग से अंगूर। औ के बाद कौन सा अक्षर आया हमारा? अंग से अंगूर। फिर आता है आहा खाली, आहा से कुछ नहीं, आहा खाली, यानी हमारे अक्षर आ गए छोटा से आहत। ये हमारे कौन से हो गए? ये हमारे स्वर। फिर हमारे स्वर के बाद अच्छा आते हैं हमारे वर्णमाला में व्यंजन। तो व्यंजन हम सीखते हैं, इसको रिवीजन करते हैं, और सारे बच्चे हमारे साथ, देखिए मैं भी बोल रही हूँ और आपको भी इसी तरीके से रिवीजन करना है, बोलना है आपको भी। तो मेरे साथ साथ आप भी बोलिए, का से कबूतर, का से कबूतर, खा से खरगोश, घा से गमला, घा से घड़ी, अंगा खाली, यानी अंगा मीन्स कुछ नहीं, चा से चरखा, छा से छाता। आप भी रिपीट कीजिए बेटा, छा से क्या होता है? छा से छाता, छा से छाता, छा से छतरी भी बोलते हैं इसे। जा से जहाज, झा से झंडा, झा से झंडा, या खाली, या मीन्स कुछ नहीं। टा से टमाटर, टा से टमाटर, टमाटर किस कलर का होता है बेटा? वेरी गुड, रेड कलर का, किस कलर का? रेड कलर का। टा से टमाटर, था से ठठेरा, डा से डमरू, डमरू, डा से डलिया भी होता है, ढा से ढक्कन, ढा से ढोलक भी होती है। फिर अड़ा खाली, अड़ा मीन्स कुछ नहीं, ता से तरबूज, क्यों
तरबूज तो आपको अच्छा लगता है ना। ता सी तरबूज, था सी थर्मस। क्यों आप बॉटल आते हैं ना थर्मस, था सी थर्मस। दा सी दवात, और धा सी क्या होता है, धा सी धनुष। ना सी नल, फिर हमारी नेक्स्ट रो में आता है अच्छा ये हमारे रो में आता है पासी पतंग, पतंग पासी पतंग। फारसी फल, बासी बकरी, बासी क्या होता है, बासी बकरी। बासी बकरी भासी, ये कौन सा अक्षर है जल्दी ध्यान से बताइए, कौन सा अक्षर है, भासी भालू, भासी भालू। मासी मछली, मासी मछली, ये कौन सा लेटर है हमारा, ये हमारा अक्षर है मासी मछली। ये हमारे हमारी हो गए यहाँ से का से मा तक ये व्यंजन हो गए। इससे पहले पिछले वर्ष में हमने का से मा तक व्यंजन पढ़े, छोटा आ से आहा तक स्वर पढ़ा। इसके बाद हमारा पी फोर के सिलेबस में अक्षर आता है हमारा या, तो हम आज या अक्षर यहाँ पे राइट करते हैं। इसको आपको अच्छे से देखना है बेटा, राइट करना है मेरे साथ साथ, आप भी इसकी प्रैक्टिस कीजिए और आप भी अपनी नोटबुक में इसे लिखिए। तो कैसे आपको लिखना है इसे, सबसे पहले हम एक स्लीपिंग लाइन बनाते हैं, ये हमारी एक स्लीपिंग लाइन बनाते हैं। इसके बाद स्टैंडिंग लाइन, और इसे फिर हम यहाँ पे ये कर्व से हम इधर ले जाते हैं और नेक्स्ट कर्व से हम इसे ऐसे ज्वाइन करते हैं। ये हमारा अक्षर हो गया या सी यज्ञ, या सी यज्ञ। इसको अच्छे से बेटा सीखिए। सबसे पहले हम स्लीपिंग लाइन से हम यहाँ पे ऊपर खींचते हैं, इसके बाद स्टैंडिंग लाइन से नीचे जाते हैं, हाफ सर्व ये देखिए हाफ कर्व से इधर लाएंगे और ये नेक्स्ट यहाँ पे बैक कर्व से ये इसे ज्वाइन करेंगे। ये हमारा अक्षर हो गया या से यज्ञ, या से यज्ञ। तो इसे आपको अच्छे से बेटा प्रैक्टिस करनी है। या से यज्ञ संत करते हैं, पूजा में वे मंत्र पढ़ते हैं। यार अक्षर आपको इसे अच्छे से बनाना है आपके नोटबुक में, दो पेज में आपको राइट करना है और इसे बेटा अच्छे से ये स्वर को और व्यंजन को अच्छे से आपको प्रैक्टिस करनी है, रिविजन करना है आपको, याद करना है और इसे अपनी नोटबुक पर वर्क करके आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे भेज दीजिएगा। थैंक यू।